नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। नवा बाजार थाना प्रभारी लालजी यादव की संदेहास्पद मौत को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना के बैनर तले शुक्रवार को गावा में कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि थानेदार लालजी यादव एक गरीब किसान का बेटा था जिन्होंने मेहनत के बदौलत उस मकाम तक पहुंचा, लेकिन वहां के एसपी को यह गवारा ना गुजरा और उन अधिकारियों ने मिलकर लालजी यादव को इतना प्रताड़ित किया कि वो बेचारा आत्महत्या करने पर बाध्य हो गया। इसलिए उनकी मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या माना जाए और लालजी यादव को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। कैंडल मार्च में शामिल नौजवानों ने सरकार से मांग की कि लालजी यादव को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जो झारखंड की सेवा में दरोगा बन के सेवा कर रहा था वो सिर्फ यादव का ही बेटा नहीं, हम सब पूरे झारखंड वासी, हर अलग अलग वर्गों के, हर एक धर्मों के लोग उनके साथ है और उनके इंसाफ के लिए हम सब चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे रांची तक। लेकिन हमारे लालजीत यादव जो आत्महत्या किए हैं उनको इंसाफ मिले और उन्हें शहीद का दर्जा मिले और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दिलाया जाए, मैं सरकार से मांग करता हूं।